Hello guys, welcome back in ManVeer Zone. I'm your partner V. Today I'm going to react on Holi Ka Laddoo by BBK Vines. Yes, dosto, BBK Vine ki video aa gayi aur aap sabke suggestion bhi saath saath aa gaya. Super fast you are aur usse zyada super fast hoon main. Jo fatafat reaction lekar aaya yaar, isse zyada kya chahiye aapko? So dekhte hain yaar kya kuch hai Holi Ka Laddoo. मतलब ये होली से रिलेटेड वीडियो है और होली तो जा चुकी है. सो देखते हैं बीबी ने किस तरीके से होली को सेलिब्रेट किया या फिर उन्होंने कोई मैसेज दिया है. सो लेट्स चेक इट आउट. हे गो, आ जाना यार, मैं बनछोड़दा सा समीर भी है. आ जा, जाओ. किसको पहले बैटिंग ले लियो, क्रिकेट क्यों नहीं खेलना, लूट मचानी है. अबे तू नीरव मोदी है क्या, क्या पबजी में लगा हुआ है यार. आ जा. हेलो हेलो नीरव मोदी, क्या हुआ, कोई आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए तैयारी नहीं है. सही, पहले चार दोस्त मिलके लंगड़ी क्रिकेट पिट्ठू फुटबॉल खेलते थे, अब वही चार दोस्त अपने अपने घरों में बैठ के मोबाइल में लगे रहते हैं. टाइम चेंज हो गया है. इससे अच्छा हाला प्ले डाउनलोड कर लो, सबसे तगड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है. क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी और दूसरी फैंटेसी गेम्स खेल के वो भी कंफर्म लाइनअप के साथ अपनी टीम चुन के असली पैसे कमा सकते हो. सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, दोस्तों को रेफर करने से बोनस भी मिलता है जिसे खेलने के लिए 100% यूज कर सकते हैं. कब तक नकली क्रेडिट खोल के वही मुकुट और चढ़िया पहनते रहेंगे. मुलाकात हो सका नहीं पता. ओ मेरे पीटू मामा, अरे के चैन काके दिल के, मेरे दिल को दुआ दीजिए. मामा क्या कर रहे हो बेटा, तेरी मामी के साथ अंताक्षरी खेल रहा हूँ. ये होते हैं गेम. डी से को गाना बता. दिल देखे देखो दिल गया ये वाला. तोरिया के पीरे पकते ना, दोरिया के दोरिया के हैने मकरे ना, हे मकरे ना. Oh no. मैं कविता, मैं रशिया में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ. Despacito, ताले मैंने खाएंगे नमकीन चीटो, मंजीत की बीवी परमजीत तो. सुन बे देसी गान बिलाय की साबुन, को हिंदी गाना बता. Do me a favor, let's play. Oh, hola. Do me a favor, let's play. इसे गाओ. इना मीना डिका. होला फोफड़ी का. कविता मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी पॉटी आई है. मामा बाथरूम चले जाओ. नहीं मैं ये पॉटी की बात कर रहा हूँ. तो चलती फिरती हमारे घर आ गई. बहुत गुस्सा है अभी भी टीटू भाई, पुरानी बातें भुला दीजिए. होली है तो हम क्या करें, रंगों का त्योहार है, हम कलर ब्लाइंड हैं क्या. मेरा बर्थडे भी है. तेरवी कब है, यहाँ क्यों आया. मैं पुरानी बातें भुलाना चाहता हूँ. तो ये क्या तेरी महबूबा का कोठा है जो यहाँ गम भुलाने के लिए आया. दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ. हम लोग क्या वाले दिखते हैं. मेरे साथ जो तूने क्या सब किया, लेकिन मेरे बच्चों को तंग करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा. कभी बेटा तू तो समझदार है. तो हम क्या स्प्लिट सेला देखते हैं. तुम समझाओ इनको, दोस्ती का हाथ बढ़ाने से कोई छोटा नहीं होता. हाथ बढ़ाने वाला हाथ काट भी सकता है. जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हाथों में क्या होना चाहिए. लवड़ा. एक और हाथ. खामियां सब में होती है, तुझमें तुझमें भी है. तेरे पापा को ऑफिस में देखता हूँ तो लगता है इतना भोला आदमी इसके साथ बुरा कैसे हो सकता है. उससे तो माफी नहीं मांग सकता, इसलिए तेरे पास आया हूँ बेटा. अंकल ऐसा मत बोलो, जो हो गया सो हो गया. ओए होए बड़ा. अरे अरे नहीं यार, पुरानी बातें भुलाएंगे, नई शुरुआत करेंगे. ठीक है, अगर तुझे लगता है विल गिव यू अनदर चांस. दिल खुश कर दिया टीटू भाई. दोस्ती वही है जो किसी को उदास ना देखे, मन में खटास ना देखे. आप मेरी फेक स्माइल देखिए, अंदर की भड़ास ना देखें. ये लो मेरे बर्थडे की मिठाई खाओ. पेड़े, बूंदी के लड्डू पेड़े नहीं होते, हिला हिला के हमारे टेढ़े नहीं होते. टीटू भाई. अरे वाह होला जी, आप यहाँ पे. बबलू जी. और कैसा चल रहा है सब. ठीक है, बीच में शराब की बोतल का सहारा लेना पड़ा. अरे रे फिर फंस गया बोतल में. मतलब भाई साहब ये जो बीच बीच में फुद्दी करता है ना, के भी रूप बदल. अरे भुवन बेटा क्या हो गया. बाबा हम कितने आलसी है ना. क्यों, सारे प्लैनेट्स के मून के नाम अलग अलग है लेकिन हमारे प्लैनेट के मून का नाम ही मून है. तूने भांग पी है. अच्छा, ओहो भांग के लड्डू. होला होला. तूने अपने पापा को बताया नहीं कि तू कितनी पॉर्न देखता है. पॉर्न क्या होता है. पापा देखो पॉर्न ना एक तरह की फिल्म होती है जिसके अंदर लड़का लड़की के बीच होता है. क्या होता है ढंग से बताओ. लड़की प्लम्बर को बुलाती है, प्लम्बर आता है, फिर वो नल का ठीक कर ही रहा होता है. इतने में लड़की का मन डगमगा जाता है, फिर वो टूटे नल के सामने मचाते, बेडरूम में मचाते, सोफे पे मचाते, अगले दिन बाथरूम में मचाते, पूरे बालकनी में मचाते. क्या होता है बेटा. वो जैपनीज पॉर्न देखता है. नींबू पानी बनाओ तो मैं देखता हूँ. अच्छा
तुम्हारे हरे भरे घास जैसे संसार में मूत दिया मैंने। घास में पेशाब करने वालों के पैरों पे अक्सर छींटे गिरती है। मैंने तो पहले बोला था बवासीर का कोई इलाज नहीं है। घास चेनान आदमी है, एक तो हमने अपने दोस्ती के ऊपर से धोखा। बेटा चूतियों को ज्ञान और उनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दो। बहुत बेइज्जती करी थी तुमने मेरी, जनवरी याद है? जिंदगी में मिल जाए तेरे जैसे गणमरी के तो फिर क्यों याद रखें किसे जनवरी के? आज इसके बाप को पता चल जाएगा कि ये कितनी अश्लील फिल्में देखता है। वाईफाई ना मिले तो 4G ना मिले तो हॉटस्पॉट। तो तेरी क्यों चल रही है जी स्पॉट ढूंढने की उम्र में हॉटस्पॉट ढूंढ रहा है? पिछले हफ्ते लड़की भी तो लेके आया था पीछे के दरवाजे से। अजीब देश है, दिन दहाड़े किसी की चोरी हो जाए तो पड़ोसी तक को पता नहीं चलता और एक लड़का लड़की को घर में ले आया पूरे मोहल्ले में पता है। अरे आज की घर में कहा जाएंगे ऑटो में? इतने प्रतिशत बाकी, आपको शर्म नहीं आती लोगों के घरों में झांक के देखते हो? तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। जो बंदा बुखार में भी हिला ले उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मामा पापा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? डर पैदा करने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि बच्चे पैदा करना तेरा बस की नहीं है। चुटकी में बच्चे पैदा कर सकता हूँ मैं। इतना आसान होता तो फिर थानोस की चुटकी बजाते ही सारी औरतों के भटूरे भूल जाते। पापा को पता चल जाएगा कि मैंने उनके नमकीन का पैकेट खत्म किया था। और मामा मैंने पिछले हफ्ते त्रिशा को पीछे के दरवाजे से अंदर लाया था लेकिन सिर्फ फर्स्ट बेस तक गए थे, उसके आगे नहीं गए। ओला बाहर से बोला चबा, मैं चबा वरना तेरा वासीपुर कर दूंगा। अब खाएगा। अब बता लड्डू में क्या मिलाया था? नशीली दवाई जो सच बुलवाती है। तू मेरे घर में क्यों आया? ये लड्डू तुम सबको खिलाने। तेरा मकसद क्या है? तुम्हें ब्लैकमेल करने, थोड़े पैसे लेने। अब यह वीडियो पुलिस में भेजूंगा, एक बार का किस्सा खत्म। क्या खत्म? किस्सा। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ कुत्ती। नहीं नहीं नहीं, I'm not sorry. चल निकल घर जाके चुटकी बजा। मैं आऊंगा जल्दी। अबे तू डॉक्टर बत्रा का नोटिफिकेशन है क्या? बार बार आता रहेगा। सीरियसली डॉक्टर बत्रा। मामा अगर पीवी सिंधु हार्डी संधु से शादी कर लेती तो उसका नाम सिंधु संधु हो जाता। इसको ले जाकर सुलवा दे अंदर। चल अंदर। क्या कर रहे हो? परमिशन लेनी चाहिए ना। टच कैसे कर रहे हो? ये लो नींबू पानी। अरे कहाँ गया वो? फर्स्ट बेस, फर्स्ट फ्लोर पे गया है। फर्स्ट बेस। ओके सो दोस्तों, होली पर ये तो होला आ गया और होला ने कर दिया कुछ अलग ही चीज़ कर दिया यार। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था होला को, क्योंकि दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए यार इसलिए भुवन ने बोला था ठीक है उस चीज़ को भुला दो। बट नहीं, जो है वही बात है ना जो मामा ने बोला, डीटू मामा ने, उन पर विश्वास नहीं करते किन पर, जिन पर आप समझ रहे हैं। बाकी वीडियो छोटी थी, स्वीट सी थी, ज़्यादा इसमें मतलब ऐसा नहीं था हा वाला, बट ठीक है अच्छी थी टोटली ओवरऑल बीवी के लेवल के हिसाब से थोड़ी सी कम बट अमेजिंग। क्योंकि हम तो यार बीबी को देखना पसंद करते हैं, जो बीबी के फैंस हैं ना वो सिर्फ बीबी को देखना चाहते हैं और लगातार कोई ना कोई वीडियोस आती रहे। और सीरियसली ये एक तो सॉन्ग आया उसके बाद ये वीडियो आ गई, सो थैंक्स अ लॉट, और वो भी होली के बाद। तो होली के बाद इसलिए मैं वही सोच रहा था होली का लड्डू क्या होगा, ये होली का लड्डू वही था, होली में लड्डू खिलाया भाई साहब। और टीटू मामा थे, चलो ये तो बाकी अगर बाकी कोई होता तो कैसे संभालते। बाकी बातचीत संभल गई, आखिरकार बच गया भुवन, नहीं तो आज तो पोल खुली जाती। और मुझे लगता है लास्ट में कभी ना कभी एक दिन शायद जिस दिन भुवन इस वाइंस को बंद करेगा उस दिन पक्का पकड़वाएगा, क्योंकि ऐसा तो होने ही वाला है। क्योंकि हर बार ऐसे छू कर निकल जाता है बिल्कुल, कि बस पकड़ेंगे और वो निकल गए। बाकी ओवरऑल मज़ा आ गया क्योंकि भुवन की वीडियो थी यार। इतनी सुबह सुबह मैं इसीलिए आया हूँ कि आप सबके सजेशन थे और आप सबका प्यार था और मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सब तक अपनी बातें ज़रूर पहुँचाऊँ यार, क्योंकि बातें पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आपने होली कैसे मनाई बताइएगा, कमेंट्स में बताओ यार, कमेंट्स में आपने कमेंट्स भर दो। बहुत कम कमेंट करने लगे हो आजकल, मन नहीं है तो क्या हुआ, वीर तो है यार। और ये नाम मत बोलो वीर जोन नहीं, ManVeer Zone इज ऑलवेज ManVeer Zone, उसमें खाली वीर हो कोई इशू नहीं है, ManVeer Zone। चल मैं अपना नाम ManVeer रख दूँ क्या, तो वो भी तो कंप्लीट नेम है ना ManVeer, सो अमेजिंग। सो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई और मेरे थोड़े बहुत रिएक्शन पसंद आए, क्योंकि यार मैं कुछ लोगों को लगता था स्टार्टिंग में, अभी तो शायद बहुत कम हो गए वैसे कमेंट्स, कि यार बहुत ओवर एक्साइटेड, और मैं भी सच में स्टार्टिंग वीडियो देखता हूँ
तो सीरियसली वो पता पहले बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि यार मतलब यस शूट कर रहे अभी ठीक है, अभी तो अब दोस्त तैयार हो गए, अब तो अपने भाई हो गए ना, तो स्टार्टिंग में जैसे होता है जैसे फर्स्ट जब स्टार्टिंग में गर्लफ्रेंड से मिलते तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ते ना, वैसी था वो स्टार्टिंग वाला प्यार था, अब तो आप हमारे हो गए, लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम नहीं हुआ है, वो पक्की बात है, आप भी आज भी एक नई गर्लफ्रेंड की तरह हो मेरी, यस इसलिए तो मुझे किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, अपन सिंगल ही, हक से सिंगल और सख्त लौंडा #सख्त लौंडा यस होता है #सख्त लौंडा। सो दोस्तों यार आपको वीडियो कैसी लगी, बाकी इसमें जो भुवन का कैरेक्टर था इस बार उन्होंने थोड़ा सा कुछ अलग किया हुआ था, क्या अलग था वो मुझे बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मेरी वीडियो में नाम आए तो आप है ना #ManVeer Zone करके जो भी वीडियो आप चाहते हैं उनके चैनल पर आप बोलिए, मतलब वो बोलिए #ManVeer Zone एंड दिस मतलब हम चाहते हैं कि ये वीडियो रिएक्ट करे ManVeer Zone, सो डेफिनेटली मैं उस पर रिएक्ट करूँगा और आपका नाम मिलेगा। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, वाल लाइकिंग अ वीडियो, शेयर वीडियो, फिर उसका सब्सक्राइब है चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो, ये बहुत ही ऑकवर्ड सा नहीं हुआ जी क्या मन था ऑल्सो ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती बोल रहा हूँ, बट कभी कभी आ जाता है यार मेरी टोन कुछ अलग हो जाती है, मैं कुछ ज़्यादा सोचता हूँ तो, वैसे मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ क्योंकि बिना सोचे समझे बोलने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं। सो दोस्तों अपने इसी बात के साथ अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखें, अपने उन दोस्तों का ख्याल रखें जो आपसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बदला लेंगे तभी तो लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा, तो एक्साइटमेंट को बनाए रखें और सबका ख्याल रखिए। सो टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट, बाय।